वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज मैं आपको सिखाऊंगा लोगो बनाना और उसको कैसे पेंट में कन्वर्ट करना या फिर इमेज फाइल में कन्वर्ट करना। तो लोगो बनाने के लिए पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद पहले आपको पेज साइज को बदलना होगा। पेज साइज को बदलने के लिए दोस्तों आपको पता ही है, हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट के अंदर दोस्तों साइज में आपको मोर साइज मिल जाएगा, उसमें आप विड्थ और हाइट को 99 कर लीजिए। आपकी मर्जी है, आप कोई भी साइज ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे 9 और 9 ले लेता हूँ तो मेरा पेज स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों पहले हमें शेप्स का यूज़ करना पड़ेगा, तो इंसर्ट के अंदर शेप्स में हमें शेप्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों सर्कल लेते हैं पहले। सर्कल लेने के लिए यहाँ पे डोनट का एक शेप है, जब उसको सेलेक्ट करके आप आपके पेज पे ड्रैग करोगे वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको मूव करने के लिए आपको टेक्स्ट रैप कर लेना पड़ेगा दोस्तों। इन फ्रंट कर लीजिए जिससे कि ये अच्छे से मूव हो सके। तो टेक्स्ट रैप करने के बाद दोस्तों इसको पहले पेज में ठीक से प्लेस कर लीजिए। तो आप थोड़ा तो इसको प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, येलो डॉट्स है आपका अंदर वाला सर्कल छोटा करने के लिए, और जो बाहर वाले डॉट्स हैं इसमें से पूरा शेप का साइज बढ़ाया छोटा होगा। तो देख सकते हो आप, येलो वाले डॉट से यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो, जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सर्कल हमने बना लिया है और हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लेंगे नाम, तो सर्कल के जो बीच में हम लिखने वाले हैं हमारा नाम, तो हम ले लेते हैं टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर। सेंटर हम लिखेंगे नीचे, तो इसलिए मैं सिर्फ टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर लिख लेता हूँ। उसके बाद इसको पहले टेक्स्ट रैप कर लीजिए इन फ्रंट। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जब आप कर लोगे ये आपके शेप के सामने आ जाएगा। इसको भी दोस्तों आप बड़ा छोटा कर सकते हो, और इसको चेंज शेप की मदद से आप यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे जो हाफ राउंड वाला सर्कल है, जो हाफ सर्कल वाला शेप है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको छोटा कर रहे हैं जिससे कि ये ठीक से हमारे सर्कल के अंदर आ जाए। आप ठीक से पूरा अरेंजमेंट कर लीजिए जिससे कि आपका जो अंदर का टेक्स्ट है पूरा सर्कल के बीचों बीच में आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी दोस्तों ये ठीक से अरेंज होने के लिए। तो ये लगभग हमारा सेंटर में आ चुका है। तो इसको ठीक से अरेंज करने के बाद आगे बढ़ते हैं नीचे वाले कंटेंट को लेने के लिए। तो नीचे कंटेंट लेने के लिए आपको फिर से इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट का यूज करना पड़ेगा। उसमें हम लिख लेते हैं सेंटर, तो हमारा पूरा नाम हो जाएगा टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर सेंटर। तो दोस्तों इसको भी हमको टेक्स्ट रैप करके इसको लाना पड़ेगा और इसका शेप भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज शेप की मदद से आप इसका भी शेप हाफ सर्कल बना सकते हो, तो जिससे कि ये आपके जो वो सर्कल के बीचों बीच में आ जाए।
तो दोस्तों थोड़ी तो मेहनत लगेगी लोगो बनाने के लिए, तो थोड़ा अरेंजमेंट्स कर लीजिए जिससे कि ये ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पे ये बड़ा छोटा कर करके आप देखिए, क्योंकि आप जान सकते हो कि आप क्या कर रहे हो और कितना आप रिसाइज कर रहे हो। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप अगले टॉपिक्स वगैरह करोगे तो आप बहुत शार्पली एडजस्ट कर सकोगे। तो दोस्तों जितना होगा उतना आप वेरिएंट्स कीजिए, तो जितने वैरायटी होगी उतनी वैरायटी ट्राई कीजिए, जितना हो सके उतना आप ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर बीच में आ चुका है। तो इसके बाद फिर से हमको नीचे कुछ ट्यूटोरियल्स नाम लिखने के लिए और एक शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे टाइटल वाले शेप्स हैं जिसमें हम हमारे टाइटल लिखेंगे, जैसे कि ट्यूटोरियल्स हो गया, सेंटर हो गया, या फिर आप इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आप इसके बीच में भी लिख सकते हो जिससे कि आपका लोगो अच्छे से दिखाई दे। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ सकते हो। अगर आप शेप लेने के बाद शेप को चेंज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मेट में चेंज शेप की मदद से शेप चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं शेप चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी मदद से आप शेप्स को चेंज कर सकते हो और आपको बार बार इंसर्ट में जाके शेप में जाके चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर्मेट में चेंज शेप्स की मदद से आप आपका पसंदीदा शेप को चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर भी वर्ड आर्ट की मदद से कुछ लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल लिखने के बाद ओके कर दें। इसको भी पहले टेक्स्ट रैप कर लें इन फ्रंट और इसको ड्रैग करके ले आए सेंटर में। तो इस शेप के सेंटर में लाने के बाद इसको आप ठीक से अलाइन कर दें। ये आपको ऑप्शनल है दोस्तों, आप कोई भी शेप ले सकते हो और इसके बीच में भी कोई भी नाम डाल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं लोगों के बीच में इमेज डालने के लिए। दोस्तों इमेज लेने के लिए आपको पहले क्लिप आर्ट का यूज़ करना पड़ेगा या फिर पिक्चर का। हमारे पास पिक्चर नहीं है तो हम क्लिप आर्ट का यूज़ करेंगे। क्लिप आर्ट की मदद से दोस्तों आपको डिफॉल्ट या फिर ऑनलाइन से बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक कंप्यूटर का इमेज ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेकिन ये हमारे लोगो पे आ रहा है तो इसको टेक्स्ट रैप की मदद से मैं बिहाइंड कर देता हूँ। तो बिहाइंड करने के बाद आप देख सकते हो हमारा लोगो लगभग तैयार हो चुका है। उसके बाद चलते हैं कलरिंग के लिए। दोस्तों जो भी आपने फॉन्ट लिया है या फिर शेप लिया है उसको कलर करने के लिए आप पहले तो उसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में जाइए। आप देख सकते हो यहाँ पे शेप फिल बहुत सारे कलर्स हैं, और जो आपने टेक्स्ट लिया है उसको भी चेंज कर सकते हो। उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके आप आपका पसंदीदा शेप फिल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर के लिए, और सेंटर के लिए भी हम रेड कलर ही लेंगे। अगर आप चाहते हो इसको आउटलाइन भी दे सकते हो या शेप आउटलाइंस, तो ये आपका ऑप्शनल है। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो। तो हम ये नीचे वाले शेप को भी कलर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जितना आप डार्क कलर लोगे आपका शेप आउटलाइन उतना
लाइट पड़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा फीका कलर लेके आप शेप फिल में जाके फिर से आप आउटलाइंस को भर दीजिए, तो इससे आपके आउटलाइन थोड़ा हाइलाइटेड दिख जाएगा। तो उसके बाद हम ट्यूटोरियल्स को कोई और कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारा लोगो अच्छे से दिखाई दे। तो उसके बाद चलते हैं ग्रुपिंग के लिए। ग्रुपिंग का मतलब है दोस्तों जिसकी मदद से आप एक ही बार में साइज को छोटा कर सकते हो या फिर रिसाइज करने में आपकी मदद होगी। 2007 में दोस्तों इमेज सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको सब जो भी आपने लिया है उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद राइट क्लिक दबाने पे आपको ग्रुपिंग ऑप्शन आएगा तो ग्रुप कर दें। उसके बाद आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ग्रुपिंग करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप करने के बाद ये इमेज हो चुका है, मतलब ये एक हो चुका है। इसकी मदद से आपने जो भी वर्ड आर्ट लिया है या शेप लिया है एक ही बार में आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। आप देख सकते हो ये छोटा और बड़ा हो रहा है। इमेज नहीं होगा दोस्तों 2007 में, लेकिन 2013 2010 में आपको इमेज भी ग्रुप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 2007 में ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो 2007 में हमें ग्रुप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इमेज को दोस्तों साइड में रख लेते हैं। चलिए सिखाता हूँ सेव करना। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं लोगों को, तो ये आपकी मर्जी है जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, इसका नाम देते हैं लोगो। तो अब डेस्कटॉप में इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद दोस्तों अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम इस लोगो को इमेज में कन्वर्ट करेंगे। ये हम पेंट की मदद से करेंगे, तो पहले हमें पेंट को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट में जाके आप पेंट को ओपन कर ले और आप देख सकते हो ये हमारा सेव किया हुआ फाइल डेस्कटॉप पे है लोगो बोल के, और इसको ओपन करने के बाद ये ऐसे दिखता है। तो हम पहले पेंट को ओपन कर लेते हैं। पेंट को ओपन करने के बाद पहले आपको जो बाहर वाला फ्रेम है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो बीच में आपने इमेज लिया है उसको कॉपी कर लें और इस यहाँ पे पेस्ट करने के बाद थोड़ा साइज छोटा कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड आपका वाइट कलर रहता है, तो इसलिए ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए हम इसको छोटा करने के बाद हम जाते हैं सेलेक्ट करने में। सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करने से सिर्फ आपका इमेज बड़ा होगा, लेकिन जो वाइट वाली बैकग्राउंड है वो कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों इसको भी सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में लोगो के नाम से। तो लोगो सेव करने से आप देख सकते हो ये इमेज फाइल हो चुका है। तो आप इसको कोई भी डॉक्यूमेंट में एज अ लोगो इंसर्ट कर सकते हो। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम इस पिक्चर को कोई भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इंसर्ट में जाके जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो लोकेशन हमारा डेस्कटॉप है और ये है हमारा लोगो पिक्चर। देख सकते हो आप, ये हमारा लोगो आ चुका है। तो आप इसको मूव करने के लिए पहले टेक्स्ट रैप कर ले और आप इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, लेटर हेड बनाने के लिए कुछ भी दोस्तों आप लोगो को यूज़ कर सकते हो। तो इसके यूज़र्स मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो हमें कमेंट कीजिए और क्या क्या टॉपिक आप सीखना चाहते हो, हम आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।